हेलो। सलाम। हेलो हाँ, हेलो आवाज़ आ रही है, फरमाइए। और मैं मौलवी साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ कि ये जो कादरिया का सिलसिला है और ये जो चिश्त सिलसिला है, इसमें क्या फर्क है, अच्छा, ठीक है ये भाई, बताएं। बहुत अच्छा। इंशाल्लाह इसका जवाब देते हैं आपको। कादरिया और चिश्तिया का क्या सिलसिला है? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। माशाल्लाह आपकी मोहब्बत, आप हमारे प्रोग्राम देखती हैं, आप कॉल करने की कोशिश करती हैं ताकि कॉल मिल जाए। लाइव प्रोग्राम में कॉल ना मिले तो मैंने अपने औकात रखे हुए, 2 दिन मैं कॉल्स लेता हूँ, एक मंडे का दिन और एक वेनेसडे का दिन, पीर और जुमेरात, ये 2 दिन मेरे कॉल्स के हैं। आप जो है वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम या न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 12 से 4 बजे तक आप कॉल कर सकती हैं, मैसेज छोड़ सकती हैं, वॉइस मैसेज छोड़ सकती हैं। तो ये 2 दिन तो मेरे प्रॉपर होते हैं, उसके अलावा बाकी दिनों में ट्राई कर लें, मिल जाऊँ बहुत अच्छा है, वरना आप जो है इमरजेंसी में अपना वॉइस मैसेज छोड़ दें या जो है अपना जो है वो टेक्स्ट मैसेज छोड़ दें, व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझसे रब्ता कर लें, तो मैं बाकायदा बार बार नंबर भी मैं बता दिया करता हूँ ताकि उस ज़रिए से मुझसे रब्ता हो जाए। लेकिन प्रॉपर दिन मेरे 2 ही हैं, मंडे और वेनसडे। पहले थर्सडे रखा था लेकिन अब थर्सडे में मैं मसरूफ़ हो गया हूँ, इसलिए मंडे और वेनसडे अब ये 2 दिन मेरे कॉल्स के हैं, उसमें आप बात कर सकते हैं। उसमें मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर भी मैंने सबको आम दे रखा है, 3474589061। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, अब कसरत से जब व्हाट्सएप पे इस कॉल्स आती हैं तो बस अवकात आवाज़ साफ नहीं आती, कटने लगता है, तो अगर हो सके तो रेगुलर रेगुलर पे आप जब कॉल कर लेंगे तो रेगुलर सेल से कॉल करेंगे व्हाट्सएप से हटके, तो आसानी से मिल जाएगा, बात भी प्रॉपर हो जाया करेगी। तो व्हाट्सएप पे अगर बात लाइन कट रही हो और रबता ना हो रहा हो या आवाज़ साफ ना आ रही हो तो आप रेगुलर के जरिए से ट्राई कर लें, क्योंकि इस हफ्ते मुझे ये तजर्बा हुआ कि कसरत से जब हिट होती है कॉल इस नंबर पर तो मैंने देखा कि उसके अंदर जो है वो आवाज़ में खलल आने लगता है, लिहाजा उस हिसाब से आप जो है मुझसे रबता कर सकती हैं। और बाकी सवाल आपने अच्छा किया, सिलसिला चिश्तिया में सिलसिला कादरिया में क्या फ़र्क है? बज़ाहिर तो कोई फ़र्क नहीं है, रास्ते हैं चलने के, मंजिल एक ही है, मंजिल मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, सोरबदिया, नक्शबंदिया, शाजलिया, रिफाइया, जितने भी सिलसिले रूहानी हैं, ये बस ये रास्ते हैं, ये रास्ते चले जा रहे हैं, मंजिल एक ही है। जैसे जी एक मरकज़ मदीना या एक मरकज़ मक्का की तरफ जाने के रास्ते हैं, मुख्तलिफ हर मुल्क से मुख्तलिफ रास्ते हैं लेकिन एक मरकज़ पे सब पहुंच रहे हैं, तो असल में तो ये सब जो है वो रास्ते हैं, ये मंजिलें नहीं हैं। और मंजिल जो है मंजिल मुहम्मद ही है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुनव्वर, वो मंजिल है। तो ये रास्ते हैं, अब हर रास्ता जो अलग अलग एक नौयत का होता है, समझे इसी तरह के इसमें भी फ़र्क मौजूद है। इनके आमाल व अशगार जो होते हैं, इनके मुतवस्सिलीन की तरबियत के जो 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 औराद होते हैं वो हर एक से दूसरे से मुख्तलिफ, जैसे रास्ते मुख्तलिफ नौयतों के होते हैं, हर तरफ से मशरिक से आने वाला, मगरिब से आने वाला, हर रास्ते की अपनी एक नौयत है, इसी तरीके से इनकी भी एक नौयतें हैं। अब ये जो है सिलसिला चिश्तिया है, ये सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मारूफ है कि वो चिश्त के थे, लिहाजा चिश्ती सिलसिला उनके नाम से मारूफ हो गया, उनसे मुतालक है। और कादरी सिलसिला जो है पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रहमत के जो नस्बत से मारूफ हो गया, अगर ये सिलसिला ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रहा है, इसी तरीके सारे सिलसिले सरकार दो आलम तक जाते हैं। लेकिन ये रास्तों की नौयतें जो है ज़रा मुख्तलिफ होती हैं आमाल व अशगाल के अतबार से, लेकिन ये कि हैं सारे रास्ते रूहानियत के रास्ते ही हैं और ये मंजिल पर पहुँचते हैं, किसी भी एक रास्ते को इख्तियार कर लें आपको मंजिल मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया हजरत। तो गोया कि ये जो चार औलियाँ हैं ये अपने रास्ते की इस रास्ते के मुश्ताहिद हैं, जैसे बिल्कुल फ़िका के मुश्ताहिद हैं, ये इस रास्ते बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल मुतय्यन किया। बिल्कुल